बहुत सारे ट्रेडर्स वॉल्यूम को गलत तरीके से समझते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ग्रीन कलर का बार ज्यादा है, यानी यहां पर जो वॉल्यूम है वो ग्रीन कलर में ज्यादा है, तो इसका मतलब ज्यादा खरीदने वाले लोग उस स्टॉक में एक्टिव हैं। और वहीं अगर ये बार रेड कलर का है तो इसका मतलब ज्यादा लोग बेचना चाहते हैं। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो सही क्या है, वॉल्यूम को एक्चुअली यूज कैसे करना है? और मैं आपको बता दूं कि वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हो, या फिर कुछ केसेस में अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग भी करते हो, तो सभी जगह पर वॉल्यूम का यूज किया जाता है। और प्राइस के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक चार्ट में होती है वो उसका वॉल्यूम ही होता है। तो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में वॉल्यूम का यूज कैसे करना है, इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, और ट्रेडिंग में आपकी कितनी ज्यादा हेल्प कर सकता है, ये आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपने कॉमेंट करके बताना है कि ये जो ग्रीन कलर के बार है, ये अगर किसी चार्ट में ज्यादा हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये अभी के अभी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आगे आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। तो देखिए, वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक टाइम पर एक स्टॉक में कितने शेयर्स ट्रेड किए जा रहे हैं, यानी कितने शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं। अब यहां पर पहले कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लगता है कि एक शेयर में कभी ऐसा हो सकता है कि ज्यादा शेयर्स खरीदे जा रहे हो और कम बेचे जा रहे हो, क्या ये पॉसिबल है? अभी के अभी कमेंट कर दीजिएगा। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि एक टाइम पर एक स्टॉक में ज्यादा लोग खरीद रहे हो और कम लोग बेच रहे हो। क्योंकि सोचो, शेयर्स कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, शेयर्स लिमिटेड होते हैं। तो आप अगर अपने शेयर को बेचना चाहते हैं तो उस शेयर को आप तभी बेच पाएंगे जब कोई दूसरा व्यक्ति खरीदना चाहता है। और अगर आप किसी शेयर को खरीदना चाहते हैं तो वो आप तभी खरीद पाएंगे जब कोई दूसरा व्यक्ति बेचना चाहता हो। यानी अगर किसी स्टॉक में किसी एक टाइम पर 10,000 शेयर्स खरीदे जा रहे हैं तो वो 10,000 शेयर्स तभी खरीद सकते हैं जब 10,000 शेयर्स बेचे भी जा रहे हों। तो इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है ये हमें बताता है कि एक टाइम पर एक स्टॉक में कितने शेयर्स ट्रेड किए जा रहे हैं, मतलब कितने खरीदे और बेचे जा रहे हैं। तो अब बात करते हैं कि एक स्टॉक में ये जो वॉल्यूम है ये काउंट कैसे किया जाता है और इसको जानकर हमें फायदा क्या है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक शेयर बाय करता है तो अब किसी एक ने वो शेयर बेचा होगा, यानी इसने सेल किया तो इसने बाय किया, तो यहां पर वॉल्यूम कितना होगा आपके हिसाब से, कितना वॉल्यूम होना चाहिए, कमेंट कीजिए। अभी के अभी कमेंट कीजिए, मैं चाहता हूं कि जो कुछ मैं आपको सिखा रहा हूं हमारे बीच में इंटरेक्शन रहे। तो अभी कमेंट कीजिए कि यहां पर अगर किसी ने एक शेयर बेचा और उस शेयर को दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया तो यहां पर कितना वॉल्यूम होगा। तो अगर आपने कमेंट कर दिया है तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर वॉल्यूम 2 नहीं होगा, वॉल्यूम यहां पर होगा 1, क्योंकि एक ही शेयर है जिसको खरीदा या बेचा गया है। तो इस तरीके से वॉल्यूम काउंट किया जाता है। यानी अगर 10 लाख शेयर्स एक स्टॉक में बेचे गए हैं तो 10 लाख शेयर्स किसी ने खरीदे होंगे, तो यहां पर वॉल्यूम 20 लाख नहीं बल्कि 10 लाख होगा। तो अब हमें यह तो समझ आ गया कि वॉल्यूम काउंट कैसे होता है, तो अब समझते हैं कि इसका फायदा क्या है। तो इसका फायदा यह है कि अगर मान लीजिए किसी स्टॉक में डेली 10,000 शेयर्स ट्रेड किए जाते थे तो इस स्टॉक का जो नॉर्मल वॉल्यूम रहता था वो 10,000 के आसपास रहता था। लेकिन एक दिन आपको दिखाई देता है कि अचानक से इस शेयर्स में 15,000 या 20,000 शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं, तो यहां से आपको क्या समझ आएगा? तो आपको ये समझ आएगा कि इस स्टॉक में कुछ ना कुछ तो हुआ है ना, तभी तो पहले 10,000 लोग डेली खरीद रहे थे, आज अचानक से 20,000 लोग खरीदने लग गए हैं। तो यहां पर हमें समझ आता है कि इस स्टॉक में जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं उनका इंटरेस्ट बढ़ा है, और जब लोगों का इंटरेस्ट उस स्टॉक में बढ़ा है तो इस केस में उसके प्राइस बढ़ने या घटने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। अभी तक हमें यह नहीं पता है कि प्राइस बढ़ेगी या फिर घटेगी, और वॉल्यूम यह हमें बता भी नहीं सकता है। वॉल्यूम से हमें सिर्फ इतना पता चलता है कि स्टॉक में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट कहां पर बढ़ रहा है और कहां पर घट रहा है। बट हमें जब पता है ना कि इस स्टॉक में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इसका यूज करके हम बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको डायरेक्टली चार्ट में सिखाता हूं कि आपने इस वॉल्यूम को लगाना कैसे है और इसका इंटरप्रिटेशन करना कैसे है। तो मैंने यहां पे चार्ट में ऑलरेडी वॉल्यूम को लगा रखा था, आपके पास जब चार्ट आएगा तो उसमें वॉल्यूम नहीं लगा होगा। तो वॉल्यूम को लगाने के लिए आपने सबसे पहले इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाना है, और यहां पर जाने के बाद आपने वॉल्यूम लिखकर सर्च करना है। अब जैसे ही आप वॉल्यूम लिखकर सर्च करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको वॉल्यूम के बेसिस पे देखने को मिलती है, आप सिंपली वॉल्यूम पे क्लिक कर दीजिए। अब जैसे ही आप वॉल्यूम पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वॉल्यूम के बार्स निकल कर आ जाएंगे।
अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि आपने ये देखना है कि जनरली वॉल्यूम कितना रहता है और कब वॉल्यूम बढ़ा है। अब एक एक छोटे छोटे बार से हम कब तक काउंट करेंगे कि कहां पर वॉल्यूम ज्यादा है कहां पर वॉल्यूम कम है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने यहां पर सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिलता है जहां पर आपने वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया है, इस पर क्लिक कर दीजिए। तो यहां पर आपको वॉल्यूम एमए का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपने इस पर टिक कर देना है और ओके पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप ओके पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको वॉल्यूम में एक मूविंग एवरेज की लाइन देखने को मिल जाती है, यानी अब यहां पर आपको ऑटोमेटिकली एवरेज पता चल जाएगा कि उसका एवरेज कितना रहता है। तो अब अगर आपको दिखाई देता है कि हमारी जो ये मूविंग एवरेज की लाइन है इससे जो हमारे वॉल्यूम के बार्स हैं वो नीचे हैं, इसका मतलब जो एवरेज वॉल्यूम रहता है अभी वॉल्यूम उससे कम है, मतलब इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक में अभी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। और इसका उल्टा अगर आपको दिखाई देता है कि हमारे जो वॉल्यूम के बार्स हैं वो हमारी जो मूविंग एवरेज की लाइन है उससे ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारा जो वॉल्यूम है वो एवरेज से ज्यादा है। तो सबसे पहले आपने जो वॉल्यूम इंडिकेटर लगाया है आपने उस पे जाना है, वहां पे जाने के बाद आपने मूविंग एवरेज की लाइन को सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपने सिंपली देखना है कि अगर हमारा जो वॉल्यूम का बार है वो मूविंग एवरेज से ऊपर है इसका मतलब वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा है, और अगर नीचे है तो इसका मतलब एवरेज से कम है। तो अब आपको एवरेज देखना भी आ गया है, तो अब समझते हैं कि इसका इंटरप्रिटेशन करना कैसे है। वैसे अभी तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में, इन्वेस्टिंग के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप हमारे चैनल को दोबारा कभी देख ही ना पाएं, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब देखिए, ये जो वॉल्यूम है और जो प्राइस है इसका यूज करके ना सिर्फ चार ही चीजें हो सकती हैं, जिसमें सबसे पहला है कि जो प्राइस है, अगर मान लीजिए आपको दिखाई देता है कि कहीं पर शेयर की जो प्राइस है वो बढ़ रही है और उसके साथ ही आपको दिखाई देता है कि जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ रहा है, जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी जो एवरेज की लाइन है वो वहां पर है और जो वॉल्यूम के बार्स हैं वो एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, यानी प्राइस तो बढ़ रही है इसके साथ ही वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो अगर कभी आपको दिखाई देता है कि प्राइस भी बढ़ रही है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि जो ट्रेंड है ना वो एक स्ट्रांग ट्रेंड है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ रही है और वो प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ रही है, तो ये कौन सा ट्रेंड है, ये एक स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है। तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब जो भी ट्रेंड है वो स्ट्रांग ट्रेंड है, और प्राइस बढ़ रही है इसका मतलब वो कौन सा ट्रेंड है, वो एक बुलिश ट्रेंड है। तो इसका मतलब अगर प्राइस एंड वॉल्यूम एक साथ बढ़ रहे हैं तो ये एक स्ट्रांग बुलिश ट्रेंड है। अब इसके बाद सेकंड केस क्या हो सकता है, तो अगर प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब तो जो भी ट्रेंड है वो एक स्ट्रांग ट्रेंड है, और अगर प्राइस गिर रही है तो इसका मतलब वो कौन सा ट्रेंड है, वो एक बेयरिश ट्रेंड है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा ट्रेंड बनेगा, अगर प्राइस गिर रही होगी और वॉल्यूम बढ़ रहा होगा तो वो एक स्ट्रांग बेयरिश ट्रेंड होगा। तो जैसे यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा वॉल्यूम है वो तो हमारे एवरेज से ज्यादा है, और इसके साथ ही यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि प्राइस गिरने लग गई है, तो इसका मतलब ये जो ट्रेंड है वो एक स्ट्रांग बेयरिश ट्रेंड है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस कितनी ज्यादा गिरी थी। तो ये था हमारा सेकंड सिनेरियो। अब थर्ड सिनेरियो की बात करें तो इसमें हो सकता है कि जो शेयर की प्राइस है वो तो आपको दिखाई देता है कि वो बढ़ रही है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो या तो घट रहा है या फिर हो सकता है कि जितना नॉर्मली रहता है उतना ही है। तो इस केस में क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है या फिर जितना रहता है उतना ही है, तो इसका मतलब जो भी ट्रेंड है वो एक वीक ट्रेंड है, और अगर प्राइस बढ़ रही है तो इसका मतलब वो एक बुलिश ट्रेंड तो है लेकिन वो एक वीक बुलिश ट्रेंड है। तो ऐसे केस में अगर आप उसमें ट्रेड लेंगे तो वहां पर आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि यहां पर आपने देखा कि प्राइस बढ़ रही थी, इस जगह पे प्राइस बढ़ रही थी, लेकिन आप नीचे देखेंगे कि वॉल्यूम में तो कोई हलचल ही नहीं है, वॉल्यूम जितना एवरेज रहता है उतना ही है। तो उसके बाद देखिए, अगर आपने यहां पे देखा होता कि प्राइस बढ़ रही है और उसके बाद नीचे देखा होता कि वॉल्यूम तो एवरेज ही है तो यहां पर आप ट्रेड नहीं लेते, लेकिन इसकी जगह पर अगर आपने देखा होता कि प्राइस बढ़ रही है और वॉल्यूम को इग्नोर किया होता तो आप ट्रेड ले लेते, और उसके बाद देखिए कि प्राइस गिर गई थी और उसके बाद प्राइस काफी ज्यादा गिर गई थी तो आपको लॉस हो जाता। तो ये हमारा थर्ड सिनेरियो है। और फोर्थ सिनेरियो में अगर आपको कभी दिखाई देता है कि शेयर की जो प्राइस है वो घट रही है लेकिन इसके साथ ही जो वॉल्यूम है वो भी या तो अपने एवरेज से कम है या फिर एवरेज के बराबर है,
तो इस केस में अगर वॉल्यूम घट रहा है या फिर अपने एवरेज के बराबर है, तो इसका मतलब जो ये ट्रेंड है ये एक वीक ट्रेंड है, और क्योंकि प्राइस गिर रही है तो ये एक प्राइस गिरती है तो वहां पे क्या होता है, बेयरिश होता है। तो ये एक बेयरिश ट्रेंड है लेकिन ये एक बेयरिश वीक ट्रेंड है। तो अगर कोई ट्रेंड बेयरिश है लेकिन वीक है तो इसका मतलब वो ट्रेंड इजिली चेंज हो सकता है, यानी वो ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मतलब प्राइस गिर रही है तो आगे चल के बढ़ सकती है। तो ऐसे में अगर आप इसमें ट्रेड लेंगे तो यहां पर आपको लॉस होने के चांसेस ज्यादा होंगे, बट अगर यहां पर आपको कोई रिवर्सल का सिग्नल मिलता है, आपको कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिलता है, चार्ट पैटर्न देखने को मिलता है जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि यहां से ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, तो फिर आप रिवर्सल को ट्रेड कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि शेयर की प्राइस गिर रही है और गिरने लगी है, बट नीचे आप देखते हैं कि जो वॉल्यूम है वो हमारी एवरेज लाइन से नीचे है, यानी हमारा जो वॉल्यूम है वो एवरेज से कम है। तो इस केस में ये जो ट्रेंड है ये एक वीक ट्रेंड है। तो देखिए प्राइस थोड़ा नीचे तो गिरी लेकिन उसके बाद वापस रिवर्स कर गई और बढ़ गई। तो इस तरीके से हम वॉल्यूम का यूज करके ट्रेंड्स को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये चार सिनेरियो तो आपको समझ आ गए हैं, लेकिन इन चार सिनेरियोज को अलग अलग जगह पे यूज करके हम अपनी ट्रेडिंग को बहुत ज्यादा बेटर बना सकते हैं और बहुत अच्छे खासे ट्रेड ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए कभी आपको चार्ट में दिखाई देता है कि इस तरीके का एक हैमर पैटर्न बन रहा है, तो अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पता है तो आपको पता होगा कि हैमर एक बुलिश पैटर्न है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हमने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर एक 5 वीडियो की कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें हमने आपको सारे ही कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बिल्कुल फ्री में सिखा रखा है। तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो अगर आपको कभी चार्ट में दिखाई दे रहा है कि इस तरीके का एक बुलिश पैटर्न बन रखा है, इसके साथ ही आपको दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो यहां पे आपको पता है कि जो भी ट्रेंड है वो स्ट्रांग है या फिर इस स्टॉक में कुछ ना कुछ हलचल तो हो रही है या होने वाली है, और साथ में आपको एक बुलिश सिग्नल भी देखने को मिल रहा है, तो वहां पर आप बाय करने का ट्रेड ले सकते हैं। तो वो जो हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न की प्लेलिस्ट है उसको जरूर देख लीजिएगा। इसके साथ ही वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हां हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप हमें दोबारा कभी देख ही ना पाए, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए हैं, तो डिस्क्रिप्शन भी जरूर चेक कर लीजिएगा। और फाइनली आपको यहां पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल रही है, आप यहां से कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीख सकते हैं। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में जानते हैं तो यहां पर आपको चार्ट पैटर्न्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल रही होगी, आप उसको देख लीजिएगा। धन्यवाद।